सूचना और जननायक में आप सबका स्वागत है। शुक्रवार को राजधानी दो घटनाओं का केंद्र बन गई। जयपुर में सुबह होने से पहले लोग घरों से निकले और रात को विधानसभा में सरकार हिल गई। भूकंप के झटके ने लोगों की नींदें उड़ा दी थी। वहीं सदन में राज्य मंत्री राजेंद्र गुड्डा सत्ता विरोधी बयान देकर सरकार की नींदें उड़ा दी। उन्होंने सदन में कहा कि सच बोलना गुनाह है तो मैं गुनाह आगे भी करता रहूंगा। महिला अत्याचार में राजस्थान नंबर वन में है और सोमवार को विधानसभा में बड़ा खुलासा करूंगा। मुझे दुख हो रहा है कि जब वो एक डायरी थी वो मैं नहीं निकालता तो आज शायद गहलोत साहब की उसी दिन छुट्टी हो जाती और आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। जिस तरीके से मणिपुर की जो घटना थी वो शर्मसार है, उसकी सारी निंदा होनी चाहिए, लेकिन हम इतना सा ही तो कहा था कि तू हमें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, अपना हम 4 महीने बाद में जनता के अंदर बीच में जाएंगे, जनता को हम कैसे फेस करेंगे, इतनी सी बात थी। हम जनता के सामना होगा तो ये सारी चीज़ें हमारे साथ जुड़ी होंगी, तो हमें इसको ठीक करने के लिए अपना सिर्फ गिरेबान की बात की थी और इतनी कोई बात नहीं थी। हमारे लिए शर्म की बात है, हम उस प्रदेश के अंदर आते हैं, उस प्रदेश के अंदर आते हैं, और मैं जिस शेखा बाटे से आता हूँ, जिस राव शेखा की ये भूमि है, जो राव शेखा एक महिला के सम्मान के लिए रड़ावता में 3 पीढ़ियाँ एक साथ कट गई थी, एक साथ रड़ावता में 3 पीढ़ियाँ हमारी एक महिला के सम्मान के लिए, हम उस DNA से हैं, हमारे अंदर वो DNA है। और उसके बाद हम ये सारी चीज़ें लेके हम राजस्थान में आए, तो इसके लिए ये बात रखना तो कोई गुनाह तो नहीं था। और हमने इस सरकार को जब ये माइनॉरिटी में थी, इस सरकार को मजबूती देने के लिए हमने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। हमारी तरफ से जब भी सरकार पर कोई संकट आया, जब भी कोई दिक्कत आई, तो पूरी ताकत के साथ हम गहलोत साहब के साथ रहे। भविष्य में क्या कुछ रणनीति रहेगी राजेंद्र गुड्डा की, वो आपको बताऊंगा 2 दिन बाद, मैं असेंबली में आ रहा हूँ सोमवार को। मणिपुर में हुई महिलाओं के साथ हिंसा का मुद्दा उठाने की बजाय अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए कि राजस्थान में महिला सुरक्षित नहीं है। आए दिन महिलाओं के साथ अत्याचार होने की खबरें सामने आती है। गुड्डा ने लगातार गैर जिम्मेदार बयानों के बाद गत दिवस मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्यपाल से उन्हें मंत्री पद से बर्खास्त करने की सिफारिश की थी, जिसके बाद उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अपने ही सरकार को विधानसभा में घेरने वाले सैनिक कल्याण राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह गुड्डा को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अनुशंसा पर राज्यपाल कलराज मिश्र ने गुड्डा को बर्खास्त कर दिया। राजस्थान में महिला अत्याचारों को लेकर विधानसभा में दिए गए बयानों पर की गई विधानसभा में मणिपुर घटना को लेकर सत्ता पक्ष की ओर से भाजपा को घेरा जा रहा था, मोदी सरकार से जवाब मांगा जा रहा था। अब गुड्डा ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अपने ही सरकार पर सवाल खड़े कर दिए, जिसके बाद उन्हें अपने पद से हाथ धोना पड़ा। यह भी जान लें कि राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक 2023 पर चर्चा के दौरान मणिपुर में महिलाओं के साथ हुए दुराचार पर कांग्रेसी विधायकों ने पोस्टर लगा दिए थे। इस बीच मंत्री गुड्डा खड़े हुए और कहा, हमें स्वीकार करना चाहिए कि राजस्थान में महिला सुरक्षा में हम विफल रहे हैं। राजस्थान में जिस तरह से महिला अत्याचार बढ़े, हमें मणिपुर की बात उठाने की वजह अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए। बयान को कांग्रेस में बेहद गंभीरता से लिया गया। सत्ता पक्ष के बैठ जाओ प्लीज। राजस्थान मंत्री महोदय बैठिए। ये छगन सिंह बोल रहे हैं, आप जानना चाहिए सच्चाई है कि हम महिलाओं की सुरक्षा में असफल हो गए। और ये राजस्थान में जिस तरीके से अत्याचार बढ़े हैं महिलाओं के ऊपर, मणिपुर के बजाय हमें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। हम आपको बता दें कि उदयपुर वाटी से बसपा से जीते गुड्डा 5 अन्य बसपा विधायकों के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए थे। गुड्डा 21 नवंबर 2021 को मंत्रिमंडल पुनर्गठन के दौरान राज्य मंत्री बनाए गए। इसके बाद से ही मनचाहा विभाग नहीं मिलने से नाराज चल रहे थे। सरकार के सियासी संकट के दौरान गुड्डा सरकार के पक्ष में खड़े रहे। हालांकि राज्य मंत्री बनने के बाद पाला बदलकर सचिन पायलट के समर्थन में आ गए थे। तो आप देख रहे थे मेरे साथ जननायक, देखते रहिए जननायक और पढ़ते रहिए जननायक। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ताकि आने वाली हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। नमस्कार।